Hey guys, welcome back to my channel. I am Jayashree. If you are new to my channel, welcome. Please do consider subscribing to my channel. Hit that small bell icon so that in the future, if I post any videos, you will definitely get notification. So, in today's video, I am going to create this smokey eye look. Now, many people think that smokey eye is very difficult. But let me tell you guys, it is not difficult at all. In this video, I am going to tell you that smokey eye look कितनी effortlessly create किया है in just 3 steps. अगर जो आप जानना चाहते हैं then keep on watching this video till the end. So सबसे पहले मैं सेलो टेप का excess glue इस तरह से निकाल के अपने आंखों के outer corners में लगा लूँगी so that ये ज़्यादा hard. मैं अपने Maybelline Fit Me Concealer से अपने eyelid prime कर लूँगी with the help of a brush. Now basically I want to create a plain canvas so that इसके ऊपर मैं अपना eyeshadow work कर सकती हूँ. जब भी आप अपना कोई smoky eye look करें, make sure कि आप पहले अपने eyelids को अच्छे से prime कर ताकि आप जो भी eyeshadow लगाएंगे, जो भी color लगाएंगे वो properly visible होगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा. नेक्स्ट मैं अपना Maybelline Fit Me लूज फिनिशिंग पाउडर लूँगी और अपने आईलेट सेट कर लूँगी. आईलेट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप इसके बाद जो भी आई शेडो आईलेट्स पर लगाओगे तो अच्छे से वो ब्लेंड होंगे. नेक्स्ट मैं अपना ब्लू हेवन का काजल लूँगी और उसे अपने आईलेट्स पर लगा लूँगी. सो यू डोंट हैव टू, आप इसे कैसे भी लगा सकते हैं बट मेक श्योर आप अपने क्रीज एरिया के ऊपर ना जाए. नेक्स्ट मैं अपना ब्लेंडिंग ब्रश लेके ये काजल को अच्छे से स्मच कर लूँगी. नेक्स्ट मैं अपना मेकअप रेवोल्यूशन का प्रो पैलेट से ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ और मैं अपने काजल को स्मच करते हुए अपने क्रीज एरिया तक ले जाऊंगी और उसे अच्छे से स्मच करूंगी. मैं अपने सेम मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट से ये डार्क ब्लैक शेड लेके अपने आईलेट्स पे लगाऊंगी टू इंटेंसिफाई द कलर. और मैं इस तरह से एक डिफरेंट ब्रश से इसे लगाऊंगी और एक न्यू ब्रश से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. जैसे मैंने इसे यू नो ब्लैक शेड एक्स्ट्रा लगा के मैं ब्राउन शेड से इसे ब्लेंड कर रही हूँ, आपको भी इसी तरह से अच्छे से ब्लेंड करना है टू यू नो गेट दैट परफेक्ट स्मोकी आई लुक. एंड ये कम्प्लीटली ब्लेंडिंग पे ही डिपेंड होता है और मेक श्योर कि आप ये सेलो टेप जरूर यूज़ कीजिएगा इफ इन केस यू आर अ बिगिनर. नेक्स्ट मैं एक पतला ब्रश लेके अपना ब्राउन और ब्लैक दोनों शेड मिक्स करके अपने लोअर लैश पे लगा लूँगी. अगर जो आपके पास ऐसे पतला ब्रश नहीं है तो आप क्यू टिप भी यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद वंस योर मेकअप आई मेकअप इज कम्प्लीटेड आप सेलो टेप निकाल दें एंड यू कैन सी द डिफरेंस कि ये एकदम परफेक्ट लगता है. नेक्स्ट मैं अपना ब्लू हेवन का काजल अपने वाटर लाइन पर लगा रही हूँ. So here I'm curling my eyelashes with the help of Vega eyelash curler, and after curling my both the eyelashes I'm going to use my mascara by MAC and I will do a nice 2 to 3 coats of this mascara on my upper and my lower lash line. Next I'm going to highlight my inner corners of my eyes and my eyebrows. ये से बहुत ही ऑप्शनल है. इफ इन केस यू आर समवन हु इज नॉट कंफर्टेबल वेयरिंग फेक आईलैशेस यू कैन स्किप दिस स्टेप. आई वांटेड टू गो अ लिटिल एक्स्ट्रा एंड ऐड दोस फेक आईलैशेस टू गिव दैट यू नो बोल्ड स्मोकी आई लुक एंड हियर इट इज. आई सिंपली लव्ड हाउ दिस लुक टर्नड आउट. इफ इन केस यू फाइंड माय वीडियो हेल्पफुल डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.